इंदौर में वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता के घर हमला, हथियार लेकर घुसे गुंडों ने दरवाजों और कार के कांच फोड़े, वोटर को धमकाने पर कांग्रेस नेता पर भी FIR। इंदौर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता के घर पर करीब 20 से 25 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपी चाकू लेकर घर में घुस आए, उन्होंने पेपर ब्लॉक उठाकर ऑफिस के दरवाजे और कार के कांच फोड़ दिए। पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। कांग्रेस नेता ने आरोपियों पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। इधर देर रात कांग्रेस नेता भी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। घटना नंदानगर इलाके में सोमवार शाम की है। परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता बब्बू यादव की सुबह मतदान के दौरान कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद शाम हथियारों से लैस बदमाश उनके घर पहुंच गए। कांग्रेस नेता यादव ने लखन और सूरज जाट समेत 20 बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में मोंटू यादव, सूरज जाट, लखन जाट, हेमंत उर्फ भैयू, आशीष पाल, आदर्श चेरी और कौशल जाट समेत 10 नामजद लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि 10 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया है। कांग्रेस नेता यादव ने पुलिस से शिकायत में बताया कि घर में हमला करने आए सभी आरोपी मुझे जान से मारने की फिराक में थे। वहां मौजूद चिंटू चौकसे और राजू बदोरिया सहित अन्य लोग बीच बचाव न करते तो वे मुझे जान से मार देते। मामले में इलाके में रहने वाली 23 साल की युवती ने सूरज जाट और चेरी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि वो डब्बू यादव के यहाँ हुए हमले के दौरान वो वहाँ पहुँची तो आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान कपड़े खींचे और पेट में लात मारी। आरोपियों ने मुझे चाकू मारने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने धक्का दिया जिसमें मैं जमीन पर गिर गई। बाद में आसपास के लोगों ने उठाया, वहां से हटकर अपनी जान बचाई। लखन जाट और उसके भाई सूरज पर शहर में सीरियल हत्याकांड, लूट, गोलीकांड व मारपीट जैसे कई बड़े अपराध दर्ज हैं। दोनों आरोपी पूर्व में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर के यहाँ गोलीकांड को भी अंजाम दे चुके हैं। आरोपी कुछ समय पहले ही जेल से छूटे हैं। अफसरों के मुताबिक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक मामले में देर रात बब्बू उर्फ विनोद यादव भी धमकाने और मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। ये शिकायत अमय यादव ने की है। अमन ने बताया कि वो नंदा नगर कनकेश्वरी बूथ पर वोट डालने करीब दोपहर 12:30 बजे पहुंचे थे। इस दौरान जब वोटिंग कर बाहर आए तो वहां बब्बू यादव का आना हुआ। उसने अमन से कहा, यहाँ क्यों खड़ा है, जाकर अपना काम कर। इस बात को लेकर अमन और बब्बू में विवाद हुआ। धमकाते हुए कहा कि ज्यादा नेतागिरी की तो जान से खत्म कर देगा। मामले में वहां मौजूद लोगों ने अमन का बचाव किया और बब्बू यादव से बचाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।